6:51 एंड मैंने सोचा कि चलो जल्दी उठते हैं और सी द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग। कितनी प्यारी सुबह है, कितनी प्यारी सुबह है। मौसम भी बहुत अच्छा है और बारिश भी नहीं हो रही है। सनी डे होगा आज, जस्ट लाइक टू गुड। एंड इधर की फेंस हमने पेंट कर दी थी और आज साइड की पेंट करनी है, तो ये है मैं और गोलू मिलके फिनिश कर देंगे आज ये प्रोजेक्ट। बाहर ठंड है, मुझे ठंड फील है, मुझे ठंड से इतनी एलर्जी है और ऐसा हो गया कि मैं मतलब ऐसी जगह आके बस गई हूँ जहाँ पे सिर्फ ठंड होती है। समर में भी, विंटर में भी, यू नो लाइक स्प्रिंग ऑटम, सब हर टाइम ठंड ही ठंड होती है, बारिश हो। मुझे जाना है जिम, तो मैं सोच रही कि आज मैं मॉर्निंग में ही जिम चली जाऊँ और थोड़ा सा जिम कर लूँ, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से जिम नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी और आई वॉज डीलिंग विथ फीवर एंड कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड अभी भी है लेकिन फीवर नहीं है और मुझे एनर्जी भी अच्छी फील हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह ही चली जाऊँ जिम और यू नो स्पा वगैरह लेकर मैं आऊँ और अपनी जो पूजा है उसको फिर मैं उसके बाद करूँ। उससे जिम जाने से पहले क्या करती हूँ, मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर देती हूँ पूजा की, सो देर आने के बाद फटाफट मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर सकूँ। ये मेरा फ्रंट यार्ड है और मैंने कुछ फ्लावर्स लगाए हैं, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और ये कुछ अजीब सा नाम का मुझे याद नहीं है। और मुझे ये कॉर्नर देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अच्छा फील होता है। यहाँ पर एक एप्पल ट्री लगाया है फ्रंट में, जिसको लगाने से ये फ्रूट्स भी लगा हुआ है इसमें या, और ये काफ़ी बड़ा है हाइट में, वैसे विड्थ में कम है, मीन्स ब्रांचेस नहीं है ज़्यादा, ब्रांचेस हो जाएंगी, फ्रूट्स लगे लेकिन। इस पेड़ को लगाते टाइम मेरा फ़ोन टूट गया, मतलब मेरा फ़ोन पॉकेट में पड़ा था और मैं इसको लगा रही थी और डिग करते टाइम मेरा फ़ोन इसी पत्थर पर गिर के टूट गया। तो मुझे ये पेड़ बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए एप्पल ट्री लगाते टाइम एप्पल का ही फोन टूट गया, स्ट्रेंज। वाव, ये रोज़ के बुशेस हैं और इसमें इतना ज़्यादा रोज़ लग रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा और बहुत ही प्यारा है और इसमें खुशबू भी है इंडिया वाली। सी द ब्यूटी, सो ब्यूटीफुल। ये रोड कुछ ऐसी है, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे समर में, बहुत ज़्यादा। तो यूके या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा ठंड डिप्रेसिंग होती है या लोग लोनली फील करते हैं, समर उतना ही प्यारा होता है और समर की होप में वो पूरा विंटर निकाल देते हैं कि यार यू नो 4 मंथ का समर आएगा एंड वी विल हैव फन और सम। तो मतलब मुझे याद है कि इंडिया में तो मुझे लगता था यार धूप निकलना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, दिस इज़ वेरी बेसिक, और ये पेड़ों में पत्तियाँ आना, दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये बेसिक नहीं है, दिस इज़ समथिंग एडवांस एंड वी शुड अप्रिशिएट कि हम ऐसी कंट्री में पैदा हुए,
हमें डेली सन देखने को मिलता है। और यहाँ क्या होता है कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको सन देखने का मौका नहीं मिल पाता, सन निकलता ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक पेंटिंग लगाई है जिसमें सनराइज हो रहा है, तो मैं जैसे अपना बेड मतलब अपनी आँखें खोले तो मुझे वो पेंटिंग दिख जाए। सो दिस इज हवन, सी हम हवन जुगाड़ू, और ये झाड़ू का काम हो रहा है। मेरे घर से स्टेशन 5 मिनट की वॉक, एंड मेरा जिम 10 मिनट की वॉक, तो इतना होता है मुझे यहाँ पे चलना, और मैं पैदल ही आ जाती हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं इसलिए बिल्कुल शांत है, अभी कोई स्टोर नहीं खुले हैं। मेरा स्पोर्ट्स सेंटर खुल गया है तो जा रही हूँ बस। ऊपर वाला जो फ्लोर है ये लेडीज जिम का है, और उसके जस्ट बगल में स्पोर्ट्स सेंटर। इतनी सारी एक्टिविटी है, यहाँ पे कॉमन जिम है ऊपर और वो काफ़ी बड़ी है, आई थिंक 4 टाइम्स ऑफ लेडीज जिम, तो मैं लेडीज़ में करूँगी, मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है। मैं आ गई हूँ जिम में, फटाफट मैं अपना बैग डालती हूँ और जिम करती हूँ थोड़ी देर। मैंने कर लिया है 40 मिनट, अब चलते हैं हेल्थ स्पा की तरफ, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं फिर घर के लिए निकलते हैं। मेरी इस मेंबरशिप में ये जंगल एडवेंचर इन्होंने अच्छे से बना रखा है यहाँ पे बेबीज़ के लिए, शायद अभी कोई बेबी नहीं होगा तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ये बच्चों के लिए इन्होंने प्ले एरिया बनाया है जो बहुत छोटे होते हैं, बस वही है कि आपको अपना बच्चा खुद देखना है। सारे सॉफ्ट हुए हैं, ये भी जो फ्लोरिंग है ये भी सॉफ्ट है काफ़ी, तो फोम बेस्ड, तो ये बहुत अच्छा है मतलब उन मदर्स के लिए या फादर के लिए या जो भी लोग हैं छोटे बच्चे हैं उनके नर्सरी या कहीं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया तो वो थोड़ा टाइम यहाँ बच्चे के साथ आ सकते हैं और बच्चे के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। और ये वर्क स्पेस का एरिया है, अगर आप जिम करने आए हो आपको कुछ ऑफिस से रिलेटेड कोई काम करना है, ऑफिशियल कोई कॉल है कुछ भी, आप यहाँ पे आराम से बैठो और अपनी कॉल्स वगैरह फिनिश करो, देन गो बैक टू जिम। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पूल भी है, क्लब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती बिकॉज़ मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो मैं बेसिकली जिम एंड पूल एंड बाथ लाइक स्पा एंड सोना एंड स्टीम, बस इतना ही मैं कर पाती हूँ। पूल एंड स्पा वो हमारे बेसमेंट में है, ये पूल है, तो मैं अभी पूल में ना जाकर
जो है किड्स के लिए भी कराटे। तो पूल में अभी नहीं जाऊंगी, पूल में जाऊंगी शाम को, क्योंकि पूल में जाने के बाद मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती हूँ और मुझे काफ़ी काम करना है। एंड धूप भी निकल चुकी है। रिया, ये पूरे के पूरे 12 घंटे की नींद लेती है रात में, मैं 8 से 9 घंटे तो कहीं नहीं गए, कितने मजे से सो रही है। अगर ऐसी नींद हमें आ जाए 2-3 घंटे की भी तो हम तो सेट हो जाए। ये तो वजह से सो रही मेरी बच्ची, लिटिल चूचू उठ जा भी, हाँ अभी उठ जाओ, बहुत हो गया चूचू। विया विया, हेलो विया, हाय से नमस्ते नमस्ते विया नमस्ते बेबी, तो क्यूट लग रहा है। आपकी तबीयत सही हुई? हाँ, आर यू फीलिंग ओके? हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे बेबी को। ओहो, आप रात को आए थे और फिर सो गए नीचे, फिर हम आपको ऊपर उठा लाए, याद है कुछ? नहीं याद है? हाँ, कहाँ ड्राइव हो रही थी रात में। लेट्स गो डाउन। बोलो, आप काढ़ा पी लो, मैं पूजा के बाद पीऊंगी। बिहार का फूड यहाँ रेडी कर रही हूँ मैं, ये स्वीट पोटैटो। गोलू क्यों परेशान है यार, मोदी ही बनेगा पीएम। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मैं भी यार, पता है मेरे को सबसे ज्यादा फनी वो लगा जब आपने बताया ना कि वो अयोध्या से हार गया, मतलब राम जी को उंगली में पकड़ के गया बंदा, सब कुछ करके और उसको ही हरा दिया। हाँ एक्चुअली एक्चुअली यार वो अपने आप को राम का बड़ा भाई बना दिया पूरा। हाँ वही, और बनाने पता है ये गुड़ मैंने क्यों भिगाया है, इसके गुलगुले बनेंगे और चीनी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, और ज़्यादातर गुलगुले तुम खाओगे क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ कम कम खाना।
रेडी हो चुकी हूँ। अब पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, सारी चीजें बस उनको सही जगह पर रखना है और बस छोटी सी पूजा करनी है। मैं इस पूजा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बैकग्राउंड, जिन लोगों को नहीं पता, ये पूजा यूपी साइड होती है और इसका नाम है वट सावित्री पूजा, जो कि बैन एंट्री पे की जाती है। तो यहाँ पर मुझे बैन एंट्री तो मिला नहीं, तो मैंने क्या किया कि वो रबर प्लांट थोड़ा बैन जैसा ही दिखता है, तो फिर मैंने वही यूज़ कर लिया। और उस ये पूजा शादी के बाद फीमेल्स करती हैं, तो इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ लव, अपना जो प्यार है आप अपने पार्टनर के लिए दिखाते हो, क्योंकि मुझे लगता है शो करना भी ज़रूरी है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप उसे इतना प्यार करते हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉमेडी करनी होती है समटाइम्स, यू नो, आप जोकर बनते हो और उसके साथ वैसे बातें करते हो तो बच्चा खुश होता है। तो वैसे ही है कि आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे फास्ट रखने पड़ते हैं और कभी कभी वो भी रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप एक्सप्रेस करते रहते हो प्यार को अलग अलग तरीके से। तो मतलब मुझे पसंद है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेशल फील कराते रहो थोड़े टाइम पे, कभी वो कभी आप। प्रसाद में तो मैं दूंगी एप्पल एंड ये उंगली। खाना ऑलरेडी रेडी है, तो बस अभी हम खाने की शुरुआत करते हैं। वाओ, उंगली टेस्ट करना छोले कैसे लगे। ज़्यादा मिर्ची, मिर्च वाले नहीं, नॉर्मल है ना। गुड गुड गुड, चलो मैं अभी इंजॉय करती हूँ।